हे मैम मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स ब्यूटी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस क्वारंटीन मेकअप लुक, जो कि मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट से क्रिएट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या हेल्पफुल है सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पे किसी भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे कॉम्प्लेक्शन सीसी क्रीम इन द शेड हनी। मैं इस क्रीम को अच्छे से पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। देन मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 15 फेयर। मैं क्वारंटीन मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही लाइट अमाउंट पे ही कंसीलर का यूज़ करूँगी। देन मैं उसी फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे भी अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट इन द शेड पर्ल। मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे अपने बेस को सेट कर लूँगी एंड बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि बाद में आपका मेकअप केकी ना लगे। मैं ब्लश के लिए ले रही हूँ एंजल रोज़ ब्लश पैलेट। मैं इस पैलेट में से ये पीची काइंड ऑफ अ शेड लूँगी एंड मैं इस रिमूव करने के बाद अपने चीक्स पे स्माइल करते हुए इस ब्लश को अप्लाई करूँगी। मैं ज़्यादा ब्लश अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा सटली रख रही हूँ। मैं उस पैलेट में से ये पीची शेड लूँगी, मैं उस कलर को पैट करते हुए अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। मैं ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं करूँगी अपने आईज़ पे, बस मैं अपने आईज़ को थोड़ा सा डिप दिखाना चाहती हूँ, उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दिस मैक का स्केच लाइनर। मैं यहाँ पे कोई भी विंग लाइनर ड्रा नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बेसिक सा ही लाइनर ड्रा कर रही हूँ। एज यू नो मैं क्वारंटीन मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसीलिए मुझे अपना आईज को थोड़ा सा सटल ही रखना था, दैट्स वाई मैं एक बस बेसिक सा लाइनर ड्रा करूँगी। ब्राउज के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस इनशाइन ओरिजिनल का HD ब्राउन पेंसिल। मैं बस स्मॉल स्ट्रोक में ही अपने आईब्रोज को फिल इन करूँगी। मैं अपने आईब्रोज के आसपास भी कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से इसे सेट कर लूँगी, आईब्रोज नीट एंड क्लीन लगे इसलिए। मैं कलर की हेल्प से अच्छे से अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। अगर आप चाहो तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हो। रही हूँ दिस हुदा ब्यूटी मस्करा। मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स आईलैशेस का अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं बस इस मस्करा का एक कोट अच्छे से अप्लाई करूँगी। मुझे ज़्यादा बैम बैम वाला लुक नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पूरे लुक को सर्टेन रखना है। के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस स्विस ब्यूटी बेक्ड हाइलाइटर इन द शेड 01। मैं एक्सेस रिमूव करने के बाद हाइलाइटर को अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करूँगी, चिक बोन एरिया पे सबसे पहले। देन मैं फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड देन चिन एरिया
मैं थोड़ा सा अपने नोज़ के टिप पे अप्लाई करूँगी जस्ट बिकॉज मेरी नोज़ थोड़ी फैटी फैटी सी है। एंड देन मैं हाइलाइटर को अपने ब्राउ बोन्स पे अप्लाई करूँगी। एंड इनर कॉर्नर को भी मैं अच्छे से हाईलाइट करूँगी। लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ दिस LE18 कलर पॉप मैट लिपस्टिक इन द शेड P26 प्रॉम पिंक। सो या लास्टली मैं लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड मैंने हेयर स्टाइल के लिए अपने फ्रंट सेक्शन को लाइटली ट्विस्ट करते हुए पफ किया है एंड पोनीटेल किया है।